बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं विंटर स्पेशल फ्राई फिश की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने फ़िश के फिले लिए हैं जो कि हैं 1100 ग्राम। ये फ़िश जो है वो शेरी फिश है, आप कोई भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इमली का पल्प लिया है जो कि है 4 खाने के चमचे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, होममेड चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, भुना पिसा धनिया, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, ये है अजवाइन जो कि डालेंगे 1/2 चाय का चमचा, और नमक शामिल करेंगे इसमें हसब ज़रूरत। तमाम ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे हम इमली के पल्प में, और इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि है 1 खाने का चमचा। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, और इसमें हम शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर जो कि है 1/2 चाय का चमचा। ये ऑप्शनल है, आप डालना ना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इसे एक बाज़ार वाला लुक आएगा। और यह है बेसन 3 खाने के चमचे, चावल का आटा है 3 खाने के चमचे, दोनों इक्वल क्वांटिटी में मैंने डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, और इस बैटर में थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। बहुत ज़्यादा ना तो ये बैटर रनी हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, तो एक एवरेज सा हम बनाएंगे। ये डाल दिया है मैंने, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है मछली पे लगाने के लिए, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ना तो थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, बस इस तरह की रखनी है। अब इसको हम लगा देते हैं मछली के फिले के ऊपर, और इस फिश के फिले के ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक और सिरका लगा के छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको वॉश कर लिया। अब ये मसाला डालेंगे, और विनेगर और नमक लगाने से ये होता है कि काफ़ी जूसी फिश बनती है। तो ये तमाम मसाले को हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर मसाज कर देंगे, और इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैरिनेट करने के लिए। तो मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया है फ़िश के ऊपर, अब हम इसको 2 घंटे के बाद फ्राई करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, फ्राई कर लेंगे फ़िश को। तो यहाँ पे तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, और ये जो मसाला है इसको हल्का सा हम हटाते हुए डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है हमारी फ़िश, ये डाल देंगे इसमें, और इसको डालने के बाद आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है। फ़िश को हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद मैं इसको पलट रही हूँ, देखें ये आया है इसका कलर, और इसको हम मज़ीद कुक करेंगे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ़िश को मैंने कर दिया है कवर ताकि थोड़ी सी स्टीम में ये अंदर तक पक सके। अब तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये है फ़िश की पोजीशन, ये अंदर तक स्टीम में पक चुकी है। अब हम इसको मज़ीद अलट पलट करके कुक करेंगे ताकि थोड़ी सी ये आउटर लेयर जो है उसकी क्रिस्पी हो जाए, जैसे कि बाज़ार में आती है अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। तो ये हो गई है हमारी फ्राई दूसरी तरफ से भी, बस हम इसको निकाल लेते हैं। हाँ, तो फिश को मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम चाट मसाला। तो मैं अपना होममेड चाट मसाला डाल रही हूँ जो कि थोड़ा सा क्रंची है, मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ चाट मसाले की, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अगर आपको घर वाला चाट मसाला बनाना हो तो सर्च कर लीजिएगा चाट मसाला बाय सारिया, आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो ये डाल दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, और इसको ग्रीन चटनी के साथ चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो आज की रेसिपी, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब दिखाती हूँ मैं आपको इस फ्राई फिश का लुक। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार जूसी सी ये बनती है। तो देखें कितनी सॉफ्ट और ये जूसी बनी है। तो रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक ले टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टूना कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि एक विंटर स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब, और बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो कबाबों को बनाने के लिए मैंने टूना फिश ली है जो कि इस तरीके के कैंस में आती है। ये आपको इजी हर जगह मिल जाती है, हर कंट्री में हर जगह ये अवेलेबल होती है, और आप इसका इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो फ्रेश फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम छन्नी में निकाल लेंगे,
और सारा एक्सेस पानी और इसमें जो तेल है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में बोल में हम डालेंगे 2 अदद छोटे साइज़ के आलू उबले हुए, जिसको मैंने एक रात पहले बॉयल किया है फ्रिज में, इसको रख दिया था ताकि इसमें से जितना भी मॉइस्ट हो वो एवोपरेट हो जाए और ये थोड़े से टाइट हो जाए। तो देखें इस तरीके के हो जाते हैं बिल्कुल टाइट आलू। तो इसको हमने मैश कर लिया है फोक की मदद से। अब इसमें डालेंगे हम टूना फिश। तो फिश को हल्का सा हम मैश कर लेंगे। अब इसमें कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये हमारे पास है हरी प्याज के पत्ते जो कि हैं तकरीबन 2 खाने के चम्मचे, बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, और बारीक काटा हुआ हरा धनिया जो कि है 2 खाने के चम्मचे। दोनों चीज़ों को डाल देंगे हम। और यहाँ पे हमने ले लिया है 1 अदद अंडा, और ये छोटे साइज़ का अंडा है तो ये हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर। और अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा हो या मीडियम साइज़ का तो वो आधा डालिएगा। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ उसको। तो ये पूरा अंडा हमने डाल दिया इसमें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, अक्सर हमारे घर में किनारे बच जाते हैं ना, उसको मैं चॉप राइस कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरा डाल दिया इसमें। साथ ही नमक शामिल करेंगे हम इसमें हसबे ज़रूरत, और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे अब। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चम्मच, और पेपरिका पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। पेपरिका पाउडर ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शामिल करेंगे इसके अंदर हम चिकन पाउडर जो कि है 1/2 चाय का चम्मच। अगर आप ये डालना ना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आपको लगे ये मिक्सर थोड़ा सा वेट है तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स मज़ीद ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये कबाबों का मिक्सर हो गया है रेडी। अब हम इसमें से छोटे छोटे से कबाब निकाल के तैयार कर लेंगे। तो छोटे छोटे से हम इसके कबाब बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं होते, नॉर्मल कबाबों से ये थोड़े से छोटे साइज़ में होते हैं। तो ये देखें इस साइज़ के हमने कबाब बना लिए हैं, और थोड़े से मोटे शेप में। तो बाकी के तमाम भी मैंने इस तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल को हमने गरम कर लिया है, और 1 अदद हमने अंडे की सफ़ेदी लिया है जिसको मैंने बीट कर लिया। कबाबों को हल्का हल्का सा इस अंडे की सफ़ेदी के साथ हम जस्ट डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना, बस हल्का सा इसको डिप करना है इस तरीके से। और ये देखें एक्सेस निकालते हुए हमने इसको डालते जाना है तेल के अंदर। तो तेल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम गर्म किया हुआ है मैंने तेल को, और मीडियम गर्म तेल में ही इसको आपने करना है फ्राई, वरना तो ये बहुत जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक एक करके हम कबाबों को डालते जाएंगे गैप देते हुए, और आंच को मीडियम ही रखा है, मीडियम आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। कबाबों को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, अलट पलट करते हुए हम इसे फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार से ही कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो जो जो हमारे फ्राई होते जाएंगे हम उसको निकालते जाएंगे टॉवल टिश्यू पेपर के ऊपर। और ये हो गया रेडी, इसको निकाल लेते हैं, बाकी के तमाम भी निकाल देंगे। और ये लीजिए हमारे कबाब बन के तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इसका फीडबैक दीजिए। गाजर गोश्त होममेड मसाले के साथ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन ली है बोन समेत जो कि है 1 किलो। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जो कि है 2 चाय के चम्मचे, और इसमें दही थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो मैं डाल रही हूँ 1 कप। हमारा दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता तो मैंने ये पूरा 1 कप डाला है। आप पुराने दही से अवॉइड कीजिएगा, खट्टा दही नहीं होना चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, आप फ्रेश दही लीजिएगा। नमक शामिल करेंगे, नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, मैंने डाला 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे 2 घंटे के लिए। आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम खुले पॉट में डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल कम या ज़्यादा आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत से लोग कम खाते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी डली प्याज की, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था मतलब। तो ये आप
पेस्ट बना के डालना चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। इसको हम सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटरों का पेस्ट, जिसको मैंने सिंपली बॉयल कर लिया था, बड़े साइज़ के थे, और छिलका उतारने के बाद मैंने ब्लेंडर में सिंपली पीस लिया, तो ये डाल दिया है मैंने। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता। अब थोड़ी ही देर बाद देखें, इसका तेल सेपरेट हो गया है, मसाला ये भुंसा गया है। इस स्टेज पे आके हमने इसमें शामिल करनी है चिकन, जिसको मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट किया था। तो डाल देते हैं इसमें चिकन। अगर चिकन को मैरिनेट करने के बाद आप फ्रिज में रख देते हैं, तो कुकिंग करने से पहले ज़रूर उसको रूम टेम्परेचर पर ले आया करें, फिर कुकिंग किया करें। तो अभी मैंने चिकन को इसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, तो मिक्स कर लेते हैं इसे। तो चिकन को मिक्स कर लिया है, अब हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन हमारी गल नहीं जाती। तो जब तक चिकन हमारी गलती है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो 4 गोश का मसाला प्रिपेयर करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के लिए 1 चाय का चम्मच डालेंगे काली वाली सरसों, मतलब मस्टर्ड सीड्स। अब इसमें हम शामिल करेंगे मेथी दाना, जो कि है 1/4 चम्मच। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है थोड़ी सी। सौंफ डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। साबुत धनिया डालेंगे हम इसमें 1.5 खाने का चम्मच भर के। और कलौंजी डालेंगे हम इसमें 1 चाय का चम्मच। अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, जब तक कि इसमें हल्की हल्की सी खुशबू नहीं आ जाती। तो मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है बिल्कुल हल्की आंच पे। चूल्हे की आंच को अब हम बंद कर देते हैं और इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हावन दस्ते में कूट लेंगे। तो मसाले को मैंने पीस लिया है हावन दस्ते में, आप नॉर्मल जो घर में मिक्सर होता है उसमें भी पी सकते हैं। तो ये है टेक्सचर इसका। अब इसको हम मिर्चों में भरेंगे। तो मैंने मिर्चें ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, ये मोटी वाली मिर्चें हैं। इसमें से बीज निकाल लेंगे हम और इस मसाले को हम इसमें भर देंगे, सभी को भर देंगे हम इस तरीके से इसमें। तो ये मिर्चें मैंने भर के तैयार कर ली हैं और ये जो हमारा मसाला है ये चिकन में जाएगा तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच। अच्छा जी, अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन की हमारी है ये पोजीशन। चिकन में काफ़ी पानी अभी मौजूद है, लेकिन चिकन हमारी तकरीबन 90% तक गल चुकी है। तो इसको हम मिक्सर लेंगे। अब चिकन में हम तैयार किया हुआ 4 गोश का मसाला डालेंगे। तो 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है इसमें और इसको मिक्सर लेंगे हम। चिकन को हम भून लेंगे जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता, और इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम कुक कर रहे हैं। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, तेल सेपरेट होने लगा है, चिकन हमारी बिल्कुल भुन चुकी है। इस स्टेज पे इसको हम कवर करके पकाएंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो 5 से 6 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और चिकन की हमारी है ये पोजीशन। मसाला देखें बिल्कुल भुन गया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे मोटी वाली हरी मिर्ची, जिसमें मैंने मसाला भरा था, तो ये डाल देते हैं इसमें। और ये मसाला भी चला गया, इसमें थोड़ा सा और था। और इसको हम कवर करके पकाएंगे अब सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि मिर्चों का इसमें फ्लेवर आ जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए मिर्चें, बस इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बन जाता है घर में। तो आज मैंने दी है आप लोगों को ये वाली 4 गोश की रेसिपी, बहुत तरीके से बनाती हूँ मैं। इसको कर देते हैं कवर, 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो ये चिकन हो गई है रेडी, चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं। इसको आप सर्व कीजिए ज़ीरा राइस के साथ, भगरे हुए राइस के साथ, या फिर नान रोटी चपाती के साथ। बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। के साथ शेयर करी हूँ विंटर स्पेशल डेजर्ट रेसिपी, जो कि है गजरेला। बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पॉट में डालेंगे 1.5 लीटर दूध। तो ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, आप डब्बे वाला दूध का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ये दूध हमारा कच्चा है अभी, बॉयल नहीं किया हुआ। तो ये 1.5 लीटर मैंने दूध डाल दिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको बॉयल आने देना है। और ये है मेरे पास भीगे हुए राइस, जो कि हैं 1/4 कप। इसको मैंने मेजरमेंट वाले कप से नापा था और इसको मैंने भिगोने के बाद हाथों से इस तरीके से क्रश कर लिया है।
और ये जो चावल इस्तेमाल करी हूँ ये घर में जो नॉर्मल हमारे आते हैं वो ही है। अगर आप इसमें मोटे वाले राइस जो टूटे हुए होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा इसमें जाएगी गाजर जो कि है 250 ग्राम, इसको मैंने मीडियम ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो दूध के बॉयल हो जाने के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं चावल, और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसमें ग्रेटेड की हुई गाजर भी। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने आँच को बिल्कुल ही हल्का रखना है, हल्की फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। इसी के साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन। तो मैं यहाँ पे अनसॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कीजिएगा, घी ना हो तो मक्खन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मक्खन डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है तो मैंने इसको थोड़ा सा हाफ ढक्कन देके ढका हुआ था और इसको मैं बीच में चलाती भी रही हूँ। तो इसको अभी हम मिक्स कर रहे हैं और इस स्टेज पे अब हम इसको घोटेंगे। तो घोटने के लिए आप घोटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैशर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमने इसको 1 घंटे के लिए कुक कर लिया था, तो इस मैशर से ही मैं इसको मैश कर रही हूँ और मैशर से ही ये बहुत अच्छे से घुट जाएगा। तो गजरेले को मैंने मैशर से ही घोट लिया है और ये हमारा घुट गया है जितना हमने घोटना था इसे। और इस स्टेज पे अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करी हूँ 3-4 कप, तो ये डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। अच्छा, चीनी डालने के बाद आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन हो जाएगी, रनी सा हो जाएगा ये। तो आँच को आपने बिल्कुल हल्का ही रखना है, हल्की फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसको साइडों से हम स्पैचुला की मदद से ही थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे और मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर अब हम इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ कूट के फ्रेश जो कि है 1/2 चाय का चम्मच। इलायची पाउडर डालने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ये कुछ कटे हुए बादाम है, 1 खाने का चम्मच सूखा नारियल है, और इसके अलावा मैंने पिस्ते लिए हैं कटे हुए, थोड़े थोड़े से हैं ये, तो ये डाल देते हैं हम इसमें। और इसमें नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डालना चाहें डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्की आँच पर ही हमने कुक करना है तकरीबन 14 से 15 मिनट के लिए। अब तकरीबन 14 से 15 मिनट गुजर चुके हैं गजरेले को पकते हुए हल्की आंच पे। इसमें 2 चुटकी मैं डाल रही हूँ सैफ्रॉन के। तो सैफ्रॉन डालना इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे हम और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे हम हल्की फ्लेम पर। और इसको जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बस ये कंसिस्टेंसी है हमारी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं रखते, थोड़ा सा ये थिन होता है, तो बस इसको निकाल लेंगे और पिस्ते से बादाम से इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा गजरेला बनके तैयार है। इसको थोड़ा सा आप करें ठंडा और इसके बाद इसको सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप विंटर्स में ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की पेशकश मटर पुलाव की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये सर्दियों के मौसम में। क्यों तो इस मटर पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुला पॉट ले लेंगे। तो जब भी आप राइस बनाएं हमेशा बड़े खुले पॉट में बनाएं जिसे खिले खिले राइस बनते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप ऑयल, क्योंकि मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ 1/2 किलो चावलों के साथ, तो 1/2 कप ऑयल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चावलों में बहुत ज़्यादा तेल भी बुरा लगता है और कम भी बुरा लगता है। तो यहाँ पर अब हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसमें 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई हम स्लाइसेस प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जब तक कि हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होती है हम एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक छोटी डली प्याज की ली है जिसको मैंने रफली काट लिया था। इसी के साथ मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, थोड़े से बड़े साइज़ में हैं ये, और लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश पिसा हुआ है ये जो कि है 1 टेबल स्पून भर के। तो इसका हम पेस्ट बना के डालेंगे। अभी प्याज देखें स्लाइटली पिंक सी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पे कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो बेलीव जाएंगे इसमें तोड़ के मैंने लिए हैं, 2 अदद डाल रही हूँ मैं। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा लिया है तोड़ के डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1/2 टीस्पून शाह ज़ीरा डाला है।
अगर आपके पास शाहजीरा ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है पुलाव के अंदर। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। अब ये जो प्याज, लहसुन अदरक का और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको अब हम डाल देंगे इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप, इस तरह की जब प्याज हो गई तो इसमें मैंने ये पेस्ट डाल दी है। आपने प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना होता, अदरवाइज़ आपका पूरे पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे, कच्चापन दूर होने तक इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मसाला हमारा भुन गया है, तेल सेपरेट होने पे है, तो इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा मैंने गरम मसाला नहीं डाला है इसमें। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन स्टॉक क्यूब्स। तो जब भी मैं कभी पुलाव बनाती हूँ, कोई भी राइस का आइटम बनाती हूँ, तो मैं ये क्यूब ज़रूर डालती हूँ। तो क्यूब्स का इस्तेमाल अभी हम करेंगे। अभी हम पहले डालेंगे मटर। तो मैं यहाँ पर मटर का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि है 300 ग्राम। ये 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मटर ली है मैंने, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर फ्रेश मटर। तो ये मटर जो है थोड़ी देर पहले मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, तो थोड़ी इस तरह से हो गई है, लेकिन ये फ्रेश ही मटर है। अब इसमें हम चिकन क्यूब्स डाल रहे हैं, जो कि आपको मैगी में मिल जाते हैं, किनॉन में मिल जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, तो आप कोई भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन राइस वगैरह में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ इसके अंदर चिकन स्टॉक क्यूब्स। तो यहाँ पे देखिए मसालों के साथ मैंने मटर को भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, और ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं 3 अदद, जिसको मैंने सरा से कट कर ली थी, ये डाल देंगे तमाम चीज़ें हम इसमें। तो ये कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल दी हैं, इसको मिक्स कर लेंगे हम, और मटर को हम इन तमाम चीज़ों के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। मटर को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे भून लिया है, और टमाटरों का पानी जो है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो गया है। इस स्टेज पे दही ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और दही भी अपना पानी रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे भी आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम लो फ्लेम कर देंगे। और अब हम मटर को ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। और ये देखें, इसको अच्छी तरीके से देखें, मैंने मिक्स कर दिया है, तो मैं कर रही हूँ इसको कवर। तो इसको मैंने कर दिया है कवर, और 5 से 8 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। अब तकरीबन 5 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, तो देखें टमाटरों का पानी भी रिलीज़ हुआ है, दही का पानी भी रिलीज़ हुआ है, और मटर को मैंने मीडियम लो फ्लेम पर कुक किया है। इस स्टेज पे आप मटर को दबा के ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये कितनी डन हो चुकी है। अभी हमारी मटर जो है वो हाफ डन हो चुकी है, और मटर का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो जो चावल मैंने लिए हैं वो लिए हैं 2.5 कप, जिसको मैंने 5 पानी के साथ वॉश कर लिया था और सोक कर लिया था। तो इन चावलों को मैंने तकरीबन 1/2 घंटे पहले सोक कर लिया था, और अब हम इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, और चावलों को डाल देंगे मटर के अंदर। और चावलों को ना हमेशा आप सोक करके इस्तेमाल करें, तो हमेशा आपका पुलाव वगैरह जो है वो अच्छा बनेगा। तो बगैर भीगे हुए राइस कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट खिले के लिए राइस बनाना, तो चावलों को हमेशा सोक करके बनाएं। तो यहाँ आप मटर का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन भी है, और यह हाफ डन भी हो चुकी है। अब चावलों के साथ इसको इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लिया है मैंने, और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो मैं यहाँ पे पूरा 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 किलो चावल लिए हैं, जिसमें मैंने पूरा 1 लीटर पानी डाला है। अब डालने के बाद हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। और यहाँ पे इस स्टेज पे आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर नमक चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे नमक जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं कर रही हूँ इसको कवर, 5 से 8 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो चावलों को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर लिया है, और चावलों को हमने हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको चलाना नहीं होता। देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो कर देते हैं कवर, 5 मिनट के बाद इसको फिर दोबारा से चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं, तो देखें आपको बबल्स इसमें दिख रहे हैं। इस स्टेज पे हम चावलों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, दम वाली आंच कर देंगे, इसको दम पे पकाएंगे हम 12 से 15 मिनट के लिए। इसको कर दिया है कवर, और सुराख को ना हम इसे एलुमिनियम फाइल के साथ कर देते हैं कवर, ताकि इसमें स्टीम बिल्कुल ना निकले। तो चेक करेंगे 15 मिनट के बाद।
अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं चावलों को। तो ये देखें बेहतरीन सी खुशबूदार हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको फोक की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं, तो दाना दाना एकदम लंबा और खुशबूदार पुलाव बन के हमारा तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, इस मेथड से बनाइए आप मटर पुलाव, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट के साथ आप इसे बना पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मटर पुलाव की। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लोगों के साथ शेयर करी हूँ आलू के सीख कबाब बनाने की रेसिपी कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि रेसिपी को बना पाएंगे आप बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं जो कि हैं आधा किलो। अब इसको हम मैश कर लेंगे। मैंने बॉयल करने के बाद इसको पील ऑफ कर लिया था और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि आलू में जितना भी मॉइस्चर हो वो एवोपरेट हो सके। जब भी हम आलू के कबाब बनाते हैं तो आलू के कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं। उसकी यही वजह होती है कि अगर हम गर्म गर्म आलू से डायरेक्ट बनाते हैं कबाब तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आलू के कबाब बनाएं तो आलू को बॉयल करने के बाद फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़े से टाइट हो सकें। चलिए जी, आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई बिल्कुल बारीक प्याज, जिसको मैंने चॉप करने के बाद इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और ये देखें बिल्कुल फ़ाइन मैंने काटी हुई है प्याज को। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, तो ये मैंने मुट्ठी भर काट के डाल दिया है। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो कि हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। ये मोटी वाली हरी मिर्च मैंने डाली है। साथ ही कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने तिक्का बूटी मसाला लिया है शान का 1 चाय का चम्मच, दरदरा कुटा हुआ धनिया जो कि 1/2 चाय का चम्मच लिया है, चाट मसाला 1/3 चम्मच, गार्लिक पाउडर 1/3 चम्मच, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना पिसा जीरा 1/2 चाय का चम्मच, गर्म मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच और 2 चुटकी काली मिर्च के लिए है। ये तमाम मसाले चले गए इसमें। तो ये मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसमें मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, किसी को कम पसंद होती हैं किसी को ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे हम 4 खाने के चम्मच भर के, और ये एक बाइंडिंग एजेंट है इसका। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे चावल का आटा, जो कि हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा, लेकिन चावल के आटे से काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं ये कबाब। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पे एक अहम टिप आलू के सीख कबाब बनाने के लिए, अगर कबाब फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं तो हम क्या करें। तो इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर, लेकिन चावल के आटे से काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये कबाब। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और आप इस आलू के मिक्सचर का टेक्सचर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टाइट सा है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्ट नहीं है। तो ये कुछ अहम टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो आलू के सीख कबाब या फिर कबाब वगैरह बनाने के लिए अहम होते हैं। तो ये देखें टेक्सचर इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो कबाबों को शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सीख ले ली है जो कि कबाब वाली है, और हाथों पे हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया है। ऑयल ग्रीस करना ज़रूरी है। अब ये मैंने इतना बड़ा शेप ले लिया है और थोड़ा सा मैंने इसको गोला कबाब वाला शेप देने के बाद इसको सीख में इस तरह से डाल दिया है, और सीख के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। अब इसको इस तरह से फैला देंगे हल्के हाथों से। तो ये देखें आलू के सीख कबाब को मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। अब हल्के हाथों से हम इसको सीख से रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था, ये ईजिली रिमूव हो जाएगा इसमें से। तो इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के तमाम को भी बनाते जाएंगे और प्लेटर में निकालते चले जाएंगे। तो आलू के सीख कबाब को मैंने ये साइज रखा है और इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी बना लेंगे और इसी तरह से शेप देके हम रखते जाएंगे। आप चाहें तो इसको मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा फ्रिज में रख सकते हैं, और सीख कबाब बनाने के बाद भी आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं इसी तरह से शेप देके बॉक्स में, ताकि इसको आप फ्रीज़ कर सकें, जब चाहें आप बना सकते हैं। तो ये हो गए हैं रेडी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, थोड़ा सा हम इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसको 1 घंटे के बाद करेंगे फ्राई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन को प्रीहीट कर लिया है, जिसमें हम डालेंगे तेल। तो तकरीबन 1/4 कप तेल डालेंगे, क्योंकि हम कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना। तो तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें हम छोटा वाला सीख कबाब डाल के पहले चेक करेंगे, अगर ये बिखर रहा है तो हम थोड़ा सा और इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, या फिर हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे चावल का आटा, जो भी बाइंडिंग एजेंट हो वो आप डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, ताकि ये बिल्कुल वेल कम्बाइन हो सके। लेकिन जो मैंने चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल परफेक्ट गई हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरे इससे। तो इसको थोड़ी सी देर के बाद हम इस तरह से
रोटेट करते हुए अलट पलट करते हुए करेंगे फ्राई। तो कुछ अहम टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं, तो इसलिए रेसिपी को आप स्किप किए बगैर फुली वॉच कीजिएगा ताकि ये सीख कबाब आलू के आप लोगों से बिल्कुल परफेक्ट बन सकें। अब बाकी के तमाम कबाबों को भी हम इसी तरह से डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। और कबाब जब थोड़े से हल्के से फ्राई हो जाएं तो आपने बड़े ध्यान से इसको सरा से अलट पलट करते जाना है और हल्की आंच पे इसको साइड से करते हुए आपने इसको कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो हमने सीख कबाब मसाला डाला है रेडीमेड वाला, इससे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलें जी, ऑलमोस्ट हमारे ये आलू के सीख कबाब हो चुके हैं फ्राई और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो बस इसको हम इस तरह से हल्का सा कलर देते हुए निकाल लेंगे। और ये देखें, दिखने में भी नहीं लग रहे कि ये हमने आलू से बना के तैयार किए हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा हमेशा की तरह। और आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए, हमारे आलू के सीख कबाब बन के तैयार हैं, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल नॉन वेज की तरह। इसको आप सर्व कीजिए चटनी के साथ, रायते के साथ, बहुत ही टेस्टी। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है जिसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे 250 ग्राम पूरा घी जाएगा इस रेसिपी के लिए। ये देसी घी है, देसी घी में इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा घी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसके अंदर और थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेंगे। और इसमें अब डाल देंगे हम गोंद जो कि मैंने ली है 100 ग्राम, और इसको बिल्कुल हल्की आँच पर हम घी के साथ फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ये गोंद जो होती है वो छोटे साइज़ में होती है, लेकिन जब ये फ्राई होती है तो फूलने के बाद थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच पे देखें मैंने इसको फ्राई कर लिया है और ये देखें बिल्कुल शक्ल में तब्दील हो चुकी है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेटर के अंदर। तो देखें, गोंद को मैंने फ्राई करके निकाल दिया है एक बड़े थाल में और इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सेम पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा और घी और इसमें अब डालेंगे हम ये मखाने। तो ये हैं 100 ग्राम मखाने जो कि वेट में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं लेकिन साइज़ में बड़े होते हैं। इसको हम हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, हल्की फ्लेम पर आपने सारे स्टेप्स करने हैं। तो ये देखें थोड़े से फ्राई हो गए हैं, लाइट लाइट गोल्डन से कलर में आ गए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं हम सेम प्लेटर में। अच्छा जी, मखानों को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है घी में से। अब इसमें थोड़ा सा घी है तो मैं यहाँ पे पिस्ते डाल रही हूँ 50 ग्राम इसके अंदर, और फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। और यह है बादाम जो कि मैंने लिए हैं 100 ग्राम, थोड़े से बड़े वाले बादाम हैं। और इसी के साथ मैंने चारों मगज़ लिए हैं जो कि 100 ग्राम लिए हैं, और किशमिश लिए है 100 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को डाल के बिल्कुल हल्की आँच पर 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे जब तक कि थोड़ी सी किशमिश जो है वो फूल ना जाए और ये तमाम चीज़ें रोस्ट ना हो जाएं। तो देखिए, मैंने बिल्कुल हल्की आँच पर इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो गए हैं तो इसको हम डाल देंगे चॉपर में, और चॉपर में थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नारियल। तो ये फ्लेक्स आते हैं यहाँ पे, तो ये मैं फ्लेक्स डाल रही हूँ इसके अंदर, जो कि आप कोई भी डेसिकेटेड कोकोनट का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम डाल दीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिया है, इसको डाल के हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को पीस लिया है और ये रेडी हो गई हैं। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मखाने और जो मैंने गोंद को फ्राई करके निकाला था, इसको हम हाथों से इस तरह से थोड़ा सा कूट लेंगे। और इसको आपने चॉपर में नहीं डाल के करना, ये मोटे मोटे मुंह में बहुत अच्छे लगते हैं आते हुए, तो इसको हम इस तरह से कूट लेंगे। तो यहाँ पे गोंद को और मखानों को मैंने कूट लिया है इस तरीके से, और ये देखें इस तरह से मोटा मोटा कूट के तैयार कर लिया। इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 1/3 कप पानी लिया था जिसके अंदर मैंने डाल दिया है 250 ग्राम गुड़, और इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी मत लीजिएगा। और इसको डाल के मैंने थोड़ा सा देखें मेल्ट कर लिया है पानी के साथ, और जब ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसको हम डालेंगे आगे के स्टेप में। तो इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकने देते हैं जब तक कि आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली वॉक ले ली है जिसमें हम बचा हुआ सारा घी डाल देंगे। तो इस रेसिपी के लिए पूरा 250 ग्राम घी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने घी डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो ये बिल्कुल फाइन सूजी है जो कि मैंने ली है 3 से 4 खाने के चम्मच, ये डाल देंगे इसके अंदर। और ये चली गई है सूजी, अब इसके अंदर जाएगा
वीट फ्लावर, जो कि होल वीट फ्लावर लिया है, फाइबर्स के साथ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये डाल देंगे हम एक कप इसमें, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम घी के साथ रोस्ट कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर भुन भी जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो सूजी को और आटे को मैंने हल्की आंच पे भून लिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी ये तैयार किया हुआ पानी और गुड़ का मिक्सचर, जिसको मैंने डिसॉल्व कर लिया है, ये चला जाएगा इसमें। अब इस स्टेज पे ये गुड़ और पानी का मिक्सचर डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसको डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको लग रहे हैं कि इसमें थोड़े से लम्स हैं, तो लम्स को हम इस तरह से स्पेचुला की मदद से डिसॉल्व कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम जस्ट भून लेंगे। तो वेल कम्बाइन होनी चाहिए दोनों चीज़ें। तो देख सकते हैं थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह का इसमें टेक्सचर आ गया है। तो इस स्टेज पर चूल्हे की आँच को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कोट लिया था उसको डाल देंगे। तो यह है गोंद और मखाने, दोनों को डाल देंगे हम इसके अंदर, और साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स को क्रश किया था, पिस्ते बादाम वगैरह को, उसको भी डाल देंगे हम इसमें। तो तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसको रूम टेम्परेचर पे हम पहले ठंडा करेंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, इसको ऐसे ही खाना चाहें तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर इसके आप लड्डू बना के खा सकते हैं। तो देखिए, ये सारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। जब आपको लगे कि ये हाथों में इस तरह से हैंडल हो रहा है, तो आपने इस तरह से थोड़ा सा दबाना है और इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाने हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने एक एक लड्डू बनाना है इसका, और इसको आप एक अदद ले सकते हैं डेली। तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, या फिर अभी सर्दी आ रही है तो इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिए, जिपर लॉक बैग में डाल के रख दीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इस ड्राई फ्रूट के मिक्सर को इस तरह से दबाते हुए देखिए, इस तरह से मैंने लड्डू का शेप दे दिया है, और इसी तरह से हम बाकी के तमाम लड्डू को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ को मैंने पाउडर में ही रहने दिया है और कुछ को मैंने लड्डू में बना लिया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी गोंद के लड्डू की। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये खाने से आप कैसा फील करते हैं। तो रेसिपी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।